سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذناهم بالبأس والضراء لعلهم يضرعون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ومولانا صل على سيدنا ومولانا سيدنا आज छठा बयान है सेहत के हवाले से। एक मरीज बहुत कमजोर है और एक वो है जिसका अल्लाह ताला से ताल्लुक है और अच्छा ताल्लुक है। दोनों बीमार हो जाते हैं। दोनों तरह के लोग जिनका ताल्लुक ना हो या नहायत कमज़ोर हो, ख्याल ना रहे, वो डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, मायूसी का शिकार भी होते हैं, उनको सेहत भी देर से मिलती है, झुंझुलाहट का शिकार हो जाते हैं, नाउम्मीदी उनके अंदर आ जाती है, बहुत सारे नेगेटिव मामलात उनके अंदर पैदा होते हैं। लेकिन वो मरीज़ जिसको पता हो कि ये मर्ज़ अल्लाह की तरफ से इनाम के तौर पर आया, अगर मेरे गुनाहों की माफ़ी है तो इनाम, दराजात की बुलंदी है तो इनाम, नेकियों में इजाफा है तो इनाम, और अगर ये गफलत की ज़िंदगी को छुड़वाकर मुझे रब के करीब कर रहा है तो इनाम, जब उसको ये बीमारी के फ़ज़ाइल और बीमारी की बरकतें मालूम होंगी कि बीमारी की वजह से क्या क्या मिल रहा है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। किसी डॉक्टर से पूछ लें, नफ्सियाती लोगों से, डॉक्टरों से पूछ लें कि जब वो बीमारी को मुसीबत समझेगा तो अंदर निज़ाम और तरीके से चलेगा, जब वो बीमारी को अल्लाह ताला की तरफ से नेमत या आजमाइश समझेगा तो उसका निज़ाम अंदर का किसी और तरीके से चलेगा। जब अल्लाह पे यकीन पुख्ता होगा और आखिरत की फ़िक्र होगी और इन बीमारियों पर मिलने वाले इनामात की फ़िक्र होगी, उतना हमारा इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत, ये बेहतर होता चला जाएगा। और ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, बीमारियाँ बार बार हमला आवर होंगी। तो मुसलमान के लिए तो रहमत ही रहमत है, राहत ही राहत है। तो आज के बयान का टॉपिक है बीमार लोगों की कैफियत। बीमार की कैफियत क्या होनी चाहिए, मुसलमान बीमार की क्या कैफियत होनी चाहिए। पिछली दफ़ा था सिफात, बात वही है। हमारे मीडिया वाले कहते हैं जी एक नाम के कई हो ना तो ठीक नहीं होते, पहचान में मुश्किल। अच्छा भाई, वो वाला हो गया बीमार की सिफात, आज है बीमार की कैफियत, बात एक ही है। अच्छा जी, चंद चीज़ों का पिछली दफ़ा जिक्र हुआ था बीमार के अंदर और क्या क्या सिफात होनी चाहिए। ये सिफात अगर आ जाएं तो बीमारी से लड़ना आसान। बीमारी में और तकलीफ़ों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के ऊपर यकीन, नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद और मोहब्बत की वजह से, ये सिफत होनी चाहिए हर बीमार के अंदर कि मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे महबूब ने जो बताया है वो मुझे मिल के रहेगा, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के मज़े ले दे रहा। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात का वक्त करीब आया तो पूछा दिन कौन सा है, उनका आज पीर का दिन है। कहा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कह रहे आज ही मुझे जो है ना मेरा आखिरी दिन हो कि नबी अलैहिस्सलाम से मुझे नस्बत मिल जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा हिजरत करके पहुँचे तो सिद्दीक अकबर तो खैर साथ आए थे, एक और सहाबी थे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला, वो अलग आए थे। ये दोनों हजरात आकर मदीना तैयबा में बीमार हो गए और शदीद बीमार हो गए। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने महफूज रखा, वहाँ का बुखार नहीं चढ़ा, उन दोनों को वहाँ का बुखार चढ़ा और दोनों बीमार हो गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला भी बाद में आई तो पता लगा वालिद भी बीमार और हज़रत बिलाल भी बीमार। नबी अलैहिस्सलाम की इजाज़त से दोनों की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गई तो पहले अब्बा के पास गई अपने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, और जाके खैर खैरियत पूछी और कहा कि अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, तो कहने लगी अरे भाई जिस ज़ात के साथ मैं मदीना आया हूँ
उस जात की खातिर तो ये बीमारी क्या मौज भी कोई चीज़ में, ये क्या मसला, कोई मसला ही नहीं। फिर वो हजरत बिलाल के पास गई, उनसे खैर खैरियत पूछी, कहने लगे अरे इन आर्जी मसाइब की परेशानियों की क्या कोई परेशानी है, चली जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में तो अगर पूरे जिस्म के बाल नोच लिए जाएं और सब कुछ जो है ना उतार लिया जाए तब भी कोई मसला नहीं। तो बीमारी में नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल और मोहब्बत और जो आपकी बताई हुई बातें उनके ऊपर इंसान गौर करे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला को जब इंतकाल का वक्त आया, आखिरी वक्त करीब है, उनकी बीवी कहने लगी वाह हसनाहु, हाय अफसोस, इस तरह की कोई बात कही। कहने लगे वाह तो रब्बाहु, कितने मज़े आ गए, मौत आ गई, जाऊंगा अल्लाह के नबी से मुलाकात होगी, साथियों से मुलाकात होगी। तो मुसलमान की ज़िंदगी कुछ और है, हम भूल चुके हैं, गलती हमारी है। तो मुसलमान की ज़िंदगी तो ये वक्त ही है। अच्छा जी, मुसलमान मरीज के अंदर एक कैफियत और होनी चाहिए, एक सिफ्त और होनी चाहिए, वो क्या? आजिज़ी और इनकिसारी। सच्ची बात यह है कि आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह ताला को निहायत पसंद है बंदों में अगर हो तो, ये बंदे को ऊपर पहुंचा देती है, अल्लाह का क़ुर्ब अता करती है। सेहत के आलम में, मसरूफियत के आलम में आजिज़ी इनकिसारी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीमारी के आलम में आजिज़ी इनकिसारी आ ही जाती है, खुद ब खुद आ जाती है, बंदा कमज़ोर होता है, तो उसमें ये और फ़ायदा उठाए। हालात ऐसे बन गए कि आजिज़ी इनकिसारी बेबसी आ रही है ना इसके अंदर, तो अब ये उनका फ़ायदा उठाएँ। क़ुरान को सुनिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ाख़ज़नाहुम बिलबासाई वज़्ज़र्राई लअल्लहुम यतज़र्रऊन। ये जो परेशानियाँ आती हैं ना, परेशानियाँ, बीमारियाँ और गम आने का एक और सबब जो क़ुरान ने बयान किया, परेशानियों का, बीमारियों का, तकलीफ़ों के आने का कुरानी सबब सुन लीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने इनको पकड़ लिया सख्ती में, तंगी में, बीमारी में, मुश्किल में, ताकि वो गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करें। तो बीमार आदमी के लिए सिर्फ ये है कि वो गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने। अब हदीस सुन लीजिए गिड़गिड़ाने के ऊपर, बीमार आदमी अगर गिड़गिड़ाए तो क्या मिलता? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बीमारी की वजह से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो और गिड़गिड़ाए, आजिज़ी इख्तियार करे, अल्लाह ताला इसको जब शिफा देंगे सारे गुनाह माफ़ हो चुके होंगे। जो बंदा बीमार हो जाए और बीमारी में अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा, अल्लाह बड़ा कमज़ोर हूँ, अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह करम फरमा, अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह मैं बीमारी का मुतहम्मिल नहीं, मैं बीमारी नहीं उठा, माफ़ी अता फरमा, अल्लाह मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ, आजिज़ी इख्तियार करे, जिस तरीके से भी करे, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देते। हज़रत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल का जब वक्त आया तो उनका सर अपने बेटे की रान पे था, कहने लगे बेटा मेरा सर ज़मीन पे रख दो। उन्होंने जो है ना वो रान से निकाल कर अपनी पिंडली पे रख दिया, ज़मीन पे नहीं रखा। अब बेटा कहा है ज़मीन पे रखो, ज़मीन पे रखवाया। जैसे ही ज़मीन पे सर रखा गया तो वो हस्ती जिसके बारे में फरमाया कि उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, वो हस्ती जिनके बारे में जन्नत की बशारतें दी गई, उन्होंने अपना सर ज़मीन पर रखवाया। दाढ़ी और रुखसार को ज़मीन पर लगा कर, दाढ़ी और रुखसार को ज़मीन पर लगा के फरमाया, अपने आप को कहने लगे उमर, अगर अल्लाह ताला ने तेरी मगफिरत ना की तो फिर तेरी भी हलाकत है, तेरी माँ की भी हलाकत है। तो इन दोनों वाक़यात से क्या मिला? उस हदीस से माँ की एक सिफ्त ये होनी चाहिए कि इख्तियार करें। बीमार के अंदर एक और कैफियत होनी चाहिए, सबर और शुक्र की। कुरान में इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा इम्तिहान लेंगे,
मुख्तलिफ चीज़ों से, कभी खौफ होगा, कभी फ़कर होगा, कभी बीमारी होगी, कभी जान माल औलाद में कोई आजमाइश आ जाएगी, कोई ना कोई सिलसिला आगे पीछे हम डालते रहेंगे आजमाइशों का। ये हमारा फैसला है। हाँ, जो उस वक्त कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब्र करने वाले होगा, उनको खुशखबरी दे दीजिए, वबशिर सबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की ख़ास ख़ास रहमतें हैं और आम रहमतें भी हैं, व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही हिदायत वाले भी हैं। इन्नमा अजरहुम बगैर हिसाब, सब्र करने वालों को बेहिसाब अल्लाह ताला फरमाते हैं। याद रखिए, ईमान की दौलत वो दौलत और वो नेमत है जो तकलीफ़ को भी राहत में तब्दील कर देती है। बंदा बीमारी में है, तकलीफ़ में है, लेकिन वो तकलीफ़ उसको राहत महसूस हो रही है, कल्बी तौर पर वो कवी है। सुनिए ज़रा, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक रात बीमार रहा, एक दिन या एक रात बीमार रहा, उस पर उसने दो काम किए, सब्र किया और अल्लाह की रजा पे राजी रहा, सारे काम माफ। एक रात की बीमारी, दो काम करने, सब्र और राजी रहना, सब्र करना और अल्लाह के हुक्म पे राजी रहना, सारे गुनाह माफ। अब जिस बीमार को ये पता लग जाए इस तकलीफ की वजह से मेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो रहे हैं, ये डिप्रेशन की तरफ कभी नहीं जाएगा, ये एंग्जाइटी की तरफ कभी नहीं जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा, मायूसी पर नहीं जाएगा। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं बीमार था, नबी अलैहिस्सलाम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अभी तो इस बीमारी से तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है कि जान चली जाएगी, ठीक हो जाओगे, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा मेरे जाने के बाद, जब तुम नाबीना हो जाओगे उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? तो फरमाया कि मैं सब्र करूँगा और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखूँगा। तुम्हारा क्या हाल होगा मेरे जाने के बाद, तुम नाबीना हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, दोनों आंखें चली जाएंगी, क्या फरमाया ज़ैद बिन अरकम ने कि मैं उस वक्त सब्र करूंगा और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखूंगा। फरमाया अच्छा, इसके बाद फिर अल्लाह ताला तुम्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देगा। बीमारी पर सब्र किया और सवाब की उम्मीद रखी, बगैर हिसाब जन्नत। बहुत से लोग बीमार होते हैं ना, अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, कौन से गुनाह हो गया, पता नहीं क्या हो गया, बीमारी हो गई। जनाब, ये बीमार होना हर वक्त गुनाहों की वजह से नहीं होता, अल्लाह ने बनाई ऐसे बीमारी आनी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनको भी तो बीमारी आई, नऊज़ु बिल्लाह, उनको कोई गुनाह था? हमारा ईमान ये है कि अम्बिया गुनाहों से पाक होते हैं, मासूम होते हैं, ये हमारा ईमान है। और हाँ, अय्यूब अलैहिस्सलाम को फ़कत बीमारी नहीं आई थी, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को फ़कत बीमारी नहीं आई थी, अल्लाह ने उन्हें बहुत माल दिया था, खेत उनके पास थे, मवेशी उनके पास थे, माल और दौलत के अंबार थे, जायदादें थी, शानदार थे, सवारियां थी, औलाद थी, खुददार, सारा। हम सिर्फ उनकी बीमारी को जानते हैं, जनाब बीमारी भी आई और औलाद के भी दब के मर गई और पीछे जानने वाले भी आगे पीछे हो गए और खेत मवेशी हर खत्म, महल जो कुछ था सब खत्म हो गया। यानी सिर्फ जान पे नहीं, वो जो आया ना पिछली आयत में, हम आजमाएंगे माल में, जान में, सेहत में, औलाद में, सारा कुछ उतर गया, सिर्फ बीमारी नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने सब्र किया। फिर अल्लाह ताला ने उनके बारे में कुरान में क्या फरमाया, नेअमल अब्द, मेरा प्यारा बंदा, नेअमल अब्द, कुरान में इनके बारे में, इन्ना वजदना हु साबिरा, हमने उसे सब्र करने वाला पाया। तो आजमाइशों पर इंसान सब्र करे तो अल्लाह ताला नेअमल अब्द, प्यारा बंदा बना लेते हैं भाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जौजा, जिन्होंने आपकी खिदमत की थी, उनका नाम कोई बताएगा जी? उनका नाम था लिया। अच्छा जी, सब्र इस वक्त करना चाहिए, अचानक कोई हादसा आ गया, पता लगा बेटे का इंतकाल हो गया, या कोई बीमारी आ गई, या कोई आग लग गई, कुछ हो गया, सब्र करना किस वक्त चाहिए? एक साल बाद, छः महीने बाद, फौरन, ये है सब्र। बाद में तो और करेगा क्या सब्र के अलावा? फौरन का जो वक्त है ना, उस वक्त सब्र वो कीमती है। अब जरा सुनिए तवज्जो के साथ, बात को सुने, फौरन सब्र करने का फ़ायदा क्या है?
अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए फर्जंदे आदम, अगर तूने शुरू सदमे में, बिल्कुल शुरू में सदमे में सब्र कर लिया मेरी रजा की खातिर और सवाब की नीयत से, मैं इससे कम पे राजी नहीं होऊंगा कि तुझे जन्नत दे दूं। कोई परेशानी आए सब्र कर ले, क्यों? अल्लाह की रजा समझ के, जो अल्लाह का अल्लाह तुम्हें राजी हूं, और जनाब सवाब की उम्मीद के मुझे मिलेगा। अल्लाह कहते हैं जन्नत से कम पे मैं भी नहीं राजी फिर। एक सहाबी ने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा, व्हाट टू द पॉइंट, बहुत खूबसूरत सवाल। सवाल क्या पूछा? मुसीबत और आजमाइश के वक्त कौन सी चीज हमारे अजर को जाया कर देती है? मुसीबत और आजमाइश के वक्त वो कौन सा अमल है या बात है जिससे हमारे अमल और सवाब जाया हो जाते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदमी का अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पे मारना। ओह कर दो ना, बाद कोई परेशानी हो जाए, ऐसे वो कर रहा होता है, क्या ये फारिग हो जाता है, सवाब से फारिग है। और मुसीबत के बाद जो राजी रहा, खामोश रहा जुबान से और अपने आमाल से, हाथों से ज़रा कंट्रोल में रहा, तो जन्नत। दुरूद शरीफ पढ़े जी, मैं ज़रा दूध पी लूँ उस वक्त। उरवा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह एक सहाबी के बेटे हैं, ताबेई हैं। उनके पाँव के, ये तवज्जो से वाक़या सुनने वाला है, बड़ा अजीब वाक़या है, हैरान कुन। उरवा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह के पाँव में कोई जहरीला ज़ख़म आ गया, ज़ख़म हुआ और उसका जहर बन गया। जो तबीब थे उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा टखने के साथ, टखना बचाएंगे नीचे से इसको निकालेंगे, और अगर नहीं काटा तो ये जहर फैलेगा और किधर तक जाए कोई पता नहीं। क्या आप कहते हैं? उनका कोई और हल नहीं है तो काटो। तबीब ने कहा हम आपको ना शराब वगैरह कुछ दे दें ताकि काटने का दर्द ना हो। खबरदार, हराम चीज़। अच्छा, आपको बेहोशी के लिए कोई चीज़ दे दें, गफलत के लिए कोई, इस तरह से जैसे आजकल एनेस्थीसिया होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे सामने करो, मेरा पाँव कट रहा, मैं देखूँगा उसको, मेरे पैसे ही काटो। कहा तकलीफ़ बड़ी होगी। कहा कोई बात नहीं, मैं अल्लाह का जिक्र करता रहूँगा। अब जनाब तबीबों ने काटना शुरू किया और ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जा रहे हैं। पाँव काट के अलग कर दिया। अब जो ज़ख़म था ना, उसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या किया, लोहे को गर्म करके ना, सलाखों को, चीज़ों को वो लगा, जिसको कहते हैं दबागत। अब जब वो काम अमल किया तो शिद्दत से तकलीफ़ हुई और एकदम बेहोश हो गए, और जल्दी फौरन ही होश में आ गए, पसीने से ऐसे चेहरे से पसीना पोंछा, और अपने कहा मेरा पाँव लेकर आओ जो अभी तुमने उतारा है। पाँव मंगवाया, पैर उसको उलट पुलट करके देख रहे हैं, और यूँ कहा उस ज़ात की कसम जिसने तुझसे मेरा वज़न उठवाया, उस ज़ात की कसम जिसने तुझ पे मेरा वज़न डाला था, जो इसने उठवाया, मैं कभी तेरी पाँव तेरे ऊपर चल के कभी गुनाह की तरफ, हराम की तरफ नहीं गया, कभी नाफरमानी की तरफ नहीं गया। तकलीफ़ कितनी है लेकिन सब्र और नज़र किधर है? हमारे रिश्तेदारों में खातून हैं, चंद साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन मुझे उन्होंने फ़ोन किया, जाने से पहले भी मुझे फ़ोन किया, जी मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ, अच्छा ऑपरेशन है फलाएँ, दुआ कीजिएगा। अच्छा, अल्लाह आफियत रखे। इस तरह साथियों के मैसेजेज आते रहते हैं। वो साहब का मैसेज आया, वो अजीब व गरीब है, तो हैरान हो गया, वाकईतन ये मेरे साथ हुआ है। कहने लगे ऐसा साहब दुआ करे, मेरी बेटी की आज मेरी बीवी क्या बेटा होने वाला है, नहीं कहता दुआ करें आज मेरी बेटी की औलाद होने वाली है, बच्चा होने वाला है। अब बच्चा ये बच्ची ये तो नहीं, अल्लाह जानता है क्या होना था, कि वो मेरी बीवी जा रही है अस्पताल में, आप दुआ करना मेरी बेटी मेरी बीवी की यहाँ बच्चा होने वाला है। मैंने कहा खान साहब आपका नहीं हो रहा था, आप क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं हमारा वही मेरी होने वाला है अभी। तो बहरहाल तो कई लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई इस तरह तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बाद ऐसे भी होते हैं, अकीदत है, मोहब्बत है, अस्पताल में जागने के बाद सबसे पहला मैसेज करते हैं, जी हजरत को इतला कर दें ऑपरेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मोहब्बत की बातें। खैर वो खातून जो थी ना, उनका ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन के बाद अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई,
जिस वक्त एनीथीजिया लगाने वाला डॉक्टर आया तो मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया हुआ था, मैं कलमा बुलंद आवाज़ से, मुनासिब बुलंद आवाज़ से पढ़ रही थी, और मुझे तो ये था कि अगर मौत आनी है तो आई जाएगी तो कलमा तो पढ़ूँ ना, और सेहत होनी है तो कलमा पढ़ती रहूँ, तो मैं कलमा पढ़ती रही। उसने बेहोश कर दिया, तकरीबन पौने घंटे से ज़्यादा का ऑपरेशन था, और कहनी है कि 4 घंटे के 5 घंटे के बाद मुझे होश आया। जो एनीथीजिया लगाने वाला था, जो डॉक्टर थे, जो नर्सें थीं, सारे हैरान थे कि बेहोशी के टीके से लेकर होश आने तक ऑपरेशन के दौरान भी वो ज़ुबान से कलमा ही पढ़ती रही, और सारे सुन रहे हैं। ऑपरेशन भी हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो कलमा पढ़ी जा रही है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। अब जो जितना ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करेगा तो ये नेमतें उसको मिलेंगी ना। हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर यूनुस साहब हुपर थे, हमारी वालिदा के अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, बड़े नेक आदमी थे। जिस दिन उनका ऑपरेशन था मुझे बुला लिया उन्होंने हॉस्पिटल में, कहा जी मुझे आप बैठ के तौबा के कलेमात पढ़ाएं और कलमे पढ़ाएं, और जनाब उन्होंने वो पढ़े। और उसके बाद तो खैर वो जब आगे बेड पर गए ऑपरेशन थिएटर में तो उस वहाँ से तो फिर इंतकाल ही की खबर बाहर आई। लेकिन जिनका ताल्लुक अल्लाह से होता है ना, फिर वो इस तरह के मामलात होते हैं। इसी तरह शुक्र भी करना चाहिए। सब्र की बात हो गई तो शुक्र की कैफियत भी होनी चाहिए बीमार के अंदर। शुक्र किसे कहते हैं? दो लाइनों में ना आप शुक्र की हकीकत को समझ लें कि शुक्र है क्या। या अल्लाह तेरा शुक्र शुक्र शुक्र, ये शुक्र नहीं होता पूरा। शुक्र की हकीकत क्या है, दो लाइनों में बात समझ लीजिए। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को नाफरमानी में इस्तेमाल न करना। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को अल्लाह ताला की नाफरमानी में इस्तेमाल न करना, ज़ुबान से और अपने आमाल से अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलना, ये शुक्र है। अच्छा वाक़िया दो सुन लीजिए। अब्दुल्लाह बिन खराश रहमतुल्लाह अलैह ताबईन फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए गया। वो बैठे हुए थे, करीब उनकी बेगम भी थी, तो मैंने कहा अबू ज़र आपके बच्चे ज़िंदा नहीं रहते, छोटी उम्र में दुनिया से चले जाते हैं। तो फरमाने लगे कि अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे इन बच्चों को फ़ानी घर से लेके बाकी रहने वाले घर में पहुँचा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे बच्चों को जल्दी ले जाता है इस फ़ानी घर और बाकी रहने वाले घर में रख रहा है। बवक्त ज़रूरत हमें वापस आएगा, वो बच्चे हमें मिलेंगे और हमारे काम आएंगे, यानी जन्नत में हम मिलें और हमारे काम आएंगे। भाई दुनिया में बच्चा हो, बालिग होने के बाद जन्नत में जाए जहन्नम में कोई पता नहीं ना। छोटे तो जाने ही जन्नत में, बल्कि माँ बाप को भी लेके जाना है। शुक्र का मौका एक नहीं है। हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे, चंद लोग साथ थे। एक ऐसे मुसीबत ज़दा शख्स के पास से गुजर हुआ जिसको 4 मसले थे। कितने? 4। नंबर 1, कूड़ी था वो, पूरे जिस्म में निशान थे, कूड़ी था, नाबीना, अंधा, बहरा और गूंगा। अंधा भी, बहरा भी, गूंगा भी, और पूरे जिस्म पे निशान भी थे। हज़रत उमर ने साथियों से पूछा इसके पास शुक्र अदा करने की कोई वजह? उसने कहा ये किस बात पे शुक्र अदा करे, इसके पास क्या है? फरमाया कि इसका पेशाब तो ठीक आता है ना, अगर वो भी तकलीफ़ के साथ आ रहा होता तो ये उस पर शुक्र अदा करे। मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे, उनके जख्म पाँव में ज़ख़म आए, तकलीफ़ हुई और बड़ी तकलीफ़ थी। कोई मिलने आया और उनके साथ ज़रा इस तरह के कलेमात, जैसे कोई तरस खा रहा हो, रहम दिली वाली कुछ जज्बात का उसने इजहार किया। कहने के अरे मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ जब से मेरे पैर में तकलीफ़ हुई है। अल्लाह तेरा शुक्र है पैर में यही आँख में नहीं आ गई, आँख में आती तो कितना मसला होता। शुक्र करने वाले तो फिर कहाँ कहाँ शुक्र करते हैं। तो बीमार को शुक्र भी अदा करना चाहिए। अब शुक्र कैसे करें? शुक्र पैदा करने का तरीका बता दूँ जी, रहने दो क्या आता है सबको। शुक्र पैदा करने का तरीका नबी अलैहिस्सलाम ने खुद बताया, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। फरमाया जब तुम में से कोई किसी ऐसे शख्स को देखे जो जिसम में जो दूसरी चीज़ों में तुमसे बड़ा हुआ हो तो तुम शुक्र पैदा करना चाहते हो,
तो अपने से नीचे वाले को देखो। बचपन में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मोहिउद्दीन सिद्दीकी साहब, रेलवे में थे, कैप्टन भी थे, अबू के बड़े अच्छे दोस्त थे। तो उनके पास जाते, वो जो है ना कोशिश करते कि दवाइयाँ कम से कम दें और बाकी इलाज भी करते थे बहरहाल। तो एक खातून उनके पास आती थी, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, उन्हें होता कुछ भी नहीं था, वो उसे समझाते। वो फिर अगले दिन कुछ दिन बाद आती, डॉक्टर साहब मैंने ए भी है, मेरे सर में दर्द, मेरे पैर में भी दर्द, मेरे पेट में भी दर्द, मुझे ये मुझे वो, कोई ना कोई कहानी सुनाती रहती। कई दफ़ा हो गया ना, तो एक दिन डॉक्टर मोहिउद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो कि कल मियो अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में मुझे मिलना, और कल इतने बजे वहां आना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, वहां तुम्हें चेक करूंगा, तो तुम्हारा मसला वहां देखते हैं, वाकई कुछ वहां पे बात होगी। ठीक है। तो अगले दिन जो टाइम दिया हुआ था, वो खातून वहां ऑर्थोपेडिक वार्ड में पहुंच गई। और ये आज से कोई 35 साल पुराना वाकया है। आजकल का ऑर्थोपेडिक वार्ड भी बड़ा खतरे का मंजर पेश करता है। 35 साल पहले वाला ऑर्थोपेडिक, वो भी सरकारी हॉस्पिटल का, अब किसी की टांग के साथ 20 किलो वजन है, इधर से लटका हुआ है, कोई इधर से हाथ लटका हुआ है, कोई कुछ कोई कुछ, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कुछ। ऑर्थोपेडिक वार्ड में यही सब कुछ नज़ारा जब उसने देखा ना, डॉक्टर साहब ने उसको वार्ड में तो बुला लिया, आए नहीं, आना भी नहीं था उन्होंने, तो भेजा था उसको। अब वो डॉक्टर साहब का इंतज़ार करते करते उसने आधा घंटा घंटा वहाँ गुजारा, डॉक्टर साहब नहीं आए, तो मायूस होकर चली गई कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या, मुझे टाइम दिया था, आना चाहिए था, नहीं आए। लेकिन डॉक्टर सिद्दीकी साहब कैफ रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि दोबारा जब मेरे पास आई ना, डॉक्टर साहब तुसी मिले नहीं मैनू, मैं दोनों वेख दी रही हैं घंटा में, किथे सी तुसी? कहा भाई वो तो चलो मैं नहीं आया, गलती हो गई, अब ज़रा दिखाओ तुम्हारा वो, चेक तो करूँ। उन्हें नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं। वो जब देखा ना कि तो अपने वो जो उसको दिमाग में मसले थे ठीक हो गए। ये प्रैक्टिकल करके देखें, जो हमारे बच्चे जो है ना, बाज़ दफ़ा नेमतें खा खा के इनको अकल नहीं, इनको कदर नहीं रहती, इनको भी कभी ले जाया करें ऑर्थोपेडिक वार्ड में। दुनिया की तकलीफें तो देखें, माँ बाप तो सोने का निवाला खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह की राह देने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा देखें तो दुनिया की इन तकलीफ़ों में। मुसलमान को आखिरत की फिक्र होनी चाहिए और दुनिया से बेरगबती होनी चाहिए। सेहत के आलम में ये चीज़ें मिल जाएं तो बहुत अच्छा, इसकी फिक्र करनी चाहिए, लेकिन बीमारी में ये कैफियत जल्दी मिल सकती है। सेहत हो या बीमारी, हमें तो अल्लाह की रजा चाहिए। बीमारी में आखिरत का फिक्र ज़्यादा और दुनिया की मोहब्बत कम होना आसान होता है। इंसान जब कमज़ोर होता है ना, तो ये नेमतें उसे मिल जाती हैं। देखें, जिस दुनिया में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, हमारी आंखों से नज़र आ रही है, ये जनाब भाई बैठे हैं, ये वाले साहब बैठे हैं, ये जनाब लोग बैठे हैं, ये घर है, ये पंखा चल रहा है, ये लाइट चल रही है, ये सब कुछ हमें हकीकत से अपनी आंखों से नज़र आ रहा है, हम हकीकत को देख रहे हैं। एक और हकीकत जो हमें अल्लाह उसके रसूल ने बताई हुई है कि मरने के बाद कब्र की ज़िंदगी, फिर आगे जन्नत और जहन्नम, पुले सिरात, ये सारे मामला, नेकियों को तोलना, गुनाहों को तोलना, ये सब वो एक अलग पूरी दुनिया है। आज हम देखना भी चाहें तो हमें नज़र नहीं आ रही। इसको समझने के लिए एक मिसाल है, माँ के पेट में बच्चा तकरीबन 9 महीने रहा, उसको वहाँ अगर बताया जाए कि तुम एक ऐसे जहान में जाओगे जहाँ हिमालय पहाड़ भी है, केटू भी है, नांगा पर्वत भी है, और समंदर भी है, और क्या सहरा और रेत भी है, सब कुछ है, दरिया भी हैं, उसे नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब वो आएगा तो अपनी आँखों से सब कुछ देख लेगा। तो हम अभी माँ के पेट से दुनिया के पेट में आए हैं, अभी हमने यहाँ से कब्र के पेट में अगले जहान जाना है, तो वहाँ सब कुछ नज़र आएगा, तो वो सब आना है। तो अब हमें बीमारी के अंदर आखिरत का फिक्र और दुनिया से बेरगबती का सबक भी पढ़ना चाहिए। क्या सुन लीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बीमार हो गए, आखिरी वक्त जब करीब आया तो फरमाया कि देखो मुझे पुराना कफन देना, जो मेरे कपड़े ना यही धो के पहना देना, नए कपड़े जिंदा लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है।
और देखो हम आयशा को कह रहे थे मरने के बाद दो ही हालतें होंगी, या तो अल्लाह तुम्हारे बाप को इससे बेहतर लिबास दे देगा वरना ये भी ले लेगा। अब हजरत उमर का जब आखिरी वक्त आया तो बेटे को कह रहे दरमियाने किस्म का मुझे कफन पहनाना, अगर अल्लाह के यहाँ खैर हुई तो इससे बेहतर मुझे मिल जाएगा, अगर खैर ना हुई तो ये भी वापस ले लिया जाएगा। फरमाया मेरी कब्र को दरमियाना बनाना, अल्लाह की अगर खैर मिली तो तहा देने का वसत कर दी जाएगी, और अगर खैर ना हुई मेरे लिए सख्त मामले हुए तो पसनियाँ के अंदर दूसरी चली जाएंगी। फरमाया मेरे जनाजे में कोई औरत ना जाए, और ये कहा देखो जो खूबी मेरे अंदर नहीं है वो मत बयान करना, अल्लाह मुझे तुमसे बेहतर जानता है, तो जो चीज़ मेरे अंदर है वो मत बयान करना, और मेरे जनाजे को लेकर चलना तो तेज़ी से लेकर चलना, अगर अल्लाह के यहाँ मेरे लिए खैर है तो मुझे खैर तक जल्दी पहुँचाना, और अगर मेरे लिए वहाँ शर है तो इस बोझ को जल्दी उतार देना। अभी कितनी है जो दुनिया से बेरगबती और आखिरत की तरफ वाले अल्फाज हैं, अब गौर कीजिए। एक और वाकया, अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला ने एक दिन बीमार से अपनी बीवी की गोद में सर रखा हुआ था। बीवी की गोद में सर रखना मोहब्बत से अपनाइयत से ये अच्छी चीज़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने दो गोदों पे सर रखा और दोनों गोदें सिद्दीक़, एक सिद्दीक़ कायनात बने और एक सिद्दीक़ा कायनात बने। ग़ारे हिरा में किन की गोद में सर रखा, अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला ने, और दुनिया से जब तशरीफ़ ले जा रहे थे तो नबी अलैहिस्सलाम का सर मुबारक किन की गोद में था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला ने, कहीं और भी तो हो सकता था। यानी जब बंदा बीमार होता है तो एक कैफियत मियाँ बीवी में मोहब्बत की, एक दूसरे को करीब होने की, एक दूसरे को तसल्ली देने की, दुलासा देने की होनी चाहिए। आजकल कहीं मियाँ बीमार हो तो बीवी ख्याल नहीं करती, बीवी बीमार हो तो शौहर कहता है जान छुट्टी। फिर तो आपस में तसल्ली देना, एक दूसरे के करीब होना, ये सहाबत से साबित है। तसल्ली के बोल डॉक्टरों की दवाइयों से ज़्यादा मुफीद होते हैं। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला बीमार थे, बीवी की गोद में सर रखा हुआ था, अचानक रोने लगे। बीवी भी रोने लगी, पूछा तुम क्यों रो रही हो, कहा आप जो रो रहे हैं इसलिए मैं भी रो पड़ी। कहने लगे मुझे तो अल्लाह का फरमान याद आ गया था, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़ज़िया, कि क़यामत के दिन पुल सिरात के ऊपर हर एक ने गुजरना है। मुझे तो ये ख्याल आया पता नहीं मौत का वक्त करीब ना हो, वहाँ मेरा क्या बनेगा। तो फिक्र आखिरत। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला आए हज़रत उमर के पास जब वो बीमार हो चुके थे और फिरोज लोलो ने उनको ज़ख्मी कर दिया था, तो हज़रत अली आए तो हज़रत उमर रो रहे थे। भई आप क्यों रो रहे हैं, कहने लगे कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम मैं जन्नत में जाऊँगा कि जहन्नम में। अब हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उमर भाई आपके बारे में तो कितनी दफ़ा मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना है, आप और अबू बकर जन्नती हैं, जन्नत में बड़े लोगों के सरदार हैं, आपके तो बड़े मकाम हैं। तो हज़रत उमर ने कहा ए अली क्या आप मेरे जन्नती होने की गवाही देते हैं, कहा मैं आपकी जन्नती होने की गवाही देता हूँ। हज़रत हसन रजी अल्लाह भी साथ थे, हज़रत उमर ने उनको कहा कि हसन अपने बाप की बात को मौत के दिन गवाही देना कि उमर जन्नत वालों में से है। सहाबा में तो इतनी मोहब्बत थी आपस में, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु गवाही दे रहे हैं कि उमर आप अहले जन्नत में से हैं। अबू हाशिम बिन उतबा रजी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल का वक्त हज़रत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु क़यादत के लिए तशरीफ़ लाए, देखा रो रहे हैं, पूछा खैर ये क्यों रो रहे हैं, कहने लगे कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हमें तो नबी अलैहि सलाम ने बताया था दुनिया थोड़ी जमा करना, वह एक घर, एक ग़ुलाम, एक सवारी, ये एक एक चीज़ें होनी चाहिए बस, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, मैं ये डर रहा हूँ कि क़यामत के दिन मेरा क्या होगा। मुसलमान मरीज़ की बीमारी के अंदर एक कैफियत और होनी चाहिए, वो क्या, दवाई और इलाज रिस्क हलाल से करना। तुमने फारूक रजी अल्लाह तुम बीमार हो गया, किसी ने कहा शहद खाएंगे ठीक हो जाएंगे, घर में शहद नहीं था, पता लगा बैतुल माल में है, अमीरुल मोमिनीन थे, ऑर्डर देके मंगवा, बीमारी की हालत में वो गए मेंबर पर खड़े हुए जाके लोगों को बुलाया, कहा मुझे तबीब ने शहद का कहा है, मेरे पास तो नहीं है बैतुल माल में, तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं इस्तेमाल कर लूँ वरना मेरे लिए तो जायज़ नहीं। बीमारी के अंदर भी इन बातों का ख्याल, बीमार आदमी का ख्याल और जी
नमाज का एहतमाम, तुसी कहोगे जे सेहत होके नहीं पढ़ते तो नमाज की बीमारी में कैसे पढ़े भी। नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम जितनी परेशानी मुशक्कत तकलीफ और बीमारी आती थी नमाज की तरफ रुजू बढ़ जाता था। बीमारी बहुत बड़े सवाब की बात है। फरमाए क्या मैं तुम्हें वो अमाल ना बताऊं जिनकी वजह से होते हैं दराजात बुलंद होते हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह जरूर बताइए। इरशाद फरमाया कि नागवारी के वक्त सर्दी है या बीमारी है, कोई दुखन है, जिसमें दर्द है, उठा नहीं जा रहा, हालत अच्छे तरीके से करना ये अल्लाह पसंद है। और इन हालत में नमाज पढ़ना अल्लाह को बड़ा पसंद है। इन हालात में मस्जिद आना अल्लाह ताला को बीमारी आलम में जरा सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत आयशा की खिदमत में आ कहने लगे आप हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताती। उन्होंने बताया, कहने लगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी जब बहुत बढ़ गई तो उन्होंने हमसे पूछा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली। हमने कहा नहीं, ये मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं, जमात में आपका इंतजार हो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे लिए पानी, बर्तन में पानी डलवाया और नबी अलैहिस्सलाम पे पानी डाला गया, आप फिर भी होश हो गए। फिर होश आया, कहा लोगों ने नमाज पढ़ ली, कहा नहीं अभी नहीं पढ़ी, आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा पानी लाओ, पानी डाला गया, फिर भी होश हो गए। तो फिर तीसरी मरतबा जब तबीयत बेहतर है फाका हुआ, लोगों ने नमाज पढ़ ली, कहा वो आपके इंतजार में है जमात में, तो नमाज नहीं पढ़ी है। कहा पानी तो, और फिर साथ कहा कि अबू बकर को कहो वो नमाज पढ़ा दें। उन्होंने कहा कि अबू बकर जरा नरम दिल के हैं, उमर को कह दिया जाए। कह नहीं, अबू बकर ही पढ़ाएंगे। बीमारी के आलम में भी नमाज का ख्याल पूरा पूरा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं के वफात के वक्त नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा जाने के वक्त बार 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 यही कलिमात कह रहे थे, अस्सला अस्सला वमा मलकत ईमानुकुम, अस्सला अस्सला वमा मलकत ईमानुकुम। मेरी उम्मत नमाज नमाज, अपने मातहतों का, अपने गुलामों का, अपने बीवी बच्चों का, अपने से छोटों का ख्याल रखना। यही कहते रहे हत्ता कि आपकी आवाज़ कमज़ोर से कमज़ोर होती गई, इतनी कमज़ोर हो गई फिर आवाज़ भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन आखिर तक यही कहते रहे मेरी उम्मत नमाज का ख्याल रखे। और हम नमाज ही सबसे ज़्यादा कदा करते हैं। हमें आयशा फरमाती हैं कि तहज्जुद की नमाज़ कभी मत छोड़ा करो, हुजूर ने कभी तहज्जुद की नमाज़ नहीं छोड़ी। हाँ, अगर कभी बीमार होते ना पढ़ सकते होते तो दिन में पढ़ लिया करते थे तहज्जुद। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला बीमारी में थे, आखिरी जो वक्त था, ज़ख़म लगा हुआ था, बेहोश हो गए थे, कपड़ा डला हुआ था, नमाज का वक्त हो गया था। लोगों ने पूछा भाई क्या रहा है, कहा इनको कहो कि नमाज का वक्त है, फौरी तौर पर ये होश में आएंगे। और किसी तरीके से ये किसी तरह मुतवज्जे नहीं हो रहे। नमाज एक ऐसी चीज़ है जो एकदम उसका ये सुन के घबरा जाएंगे और नमाज की फ़िक्र करेंगे। तो जैसे ही लोगों ने कहा नमाज, तो फ़ौरन वो होश में आए। और उमर ने फरमाया अल्लाह की कसम जो आदमी नमाज छोड़ दे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। उसके बाद उन्होंने नमाज इस हालत में पढ़ी कि उनके जिस्म से खून भी बह रहा था। तो नमाज की इस कदर पाबंदी बीमारी के आलम में। तो बीमार आदमी की सिफात में से एक सिफ्त के दौरान बीमारी भी नमाज पढ़ता रहे। मदीना तैयबा में जो सहाबा आए, बुखार चढ़ा और कसरत से मुहाजरीन बीमार हो गए। मस्जिद तो आते थे नमाज पढ़ने के लिए, खड़े होकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं थी, बैठ के पढ़ते रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा देखा सारे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो फरमाया कि खड़े होकर नमाज पढ़ने की फजीलत जितनी है बैठ के आधी रह जाती है। अब वो इंतहाई कमज़ोर थे लेकिन फजीलत के शौक में खड़े होकर पढ़ने की फ़िक्र करने लगे। तो बीमारी के आलम में भी नमाज। एक और ज़रा हदीस सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो खुल्लम खुल्ला मुनाफिक होता था ना, जमात की नमाज से सिर्फ वही रहता था, और ना आम मुनाफिक भी नमाज से जमात की नमाज से बाकी नहीं रहता था। और आगे क्या है कि वो शख्स जो दो आदमियों के सहारे मस्जिद पहुंच सके, वो दो लोगों के सहारे के साथ मस्जिद जमात में पहुंच जाता था। हम लोग किधर हैं जिनकी नमाजें कदा हो जाती हैं। खुल्लम खुल्ला मुनाफिक तो रह जाता था, आम मुनाफिक भी मस्जिद पहुंच जाता था।
अब आगे मैं ना ही कुछ बोलूँ तो अच्छा है। उत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनू सालम के सरदार थे, बदर में शरीक हुए, बाद में नाबीना हो गए। नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे कि मैं नाबीना हूँ, मुझे इजाज़त दें मैं घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ। पूछा अज़ान की आवाज़ आती है? कहा आती है। क्या नहीं, फिर पहुँचो मस्जिद। बाद में फिर उनको रुख्सत दे दी गई थी, लेकिन बता दिया कि भाई मस्जिद पहुँचो। तो सहाबा कराम हमारे लिए हर जगह आइडियल हैं, कारोबार हो या इलाज हो, कुछ भी हो, माशरत हो, कुछ भी हो, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ें पता लग जाएगा। आज हमारे सारे सिलेबस में भी काफिरों की चीज़ें हैं, कई चीज़ें तो ऐसी हैं बाकायदा कुफर की तरफ ले जाती हैं, अल्फाज उसमें ऐसे लिखे हुए जो सीधा सीधा इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, कई जगह ऐसे। उसका हल क्या है? हम सहाबा की ज़िंदगी को बार बार पढ़ें और सुने। शकीक बल्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक मरीज़ के बारे में, मोहताज के बारे में, माजूर के बारे में, कि मुझे मक्का मुकरमा के रास्ते में एक अपाहिज मिला, मैं भी मक्के जा रहा था, मुझे एक अपाहिज मिला, वो पाउनी थे उसके, घिसट घिसट के ज़मीन पे चल रहा था। मैंने उसको देखा, पूछा भाई किधर से आए हो? कहने लगा समरकंद से आ रहा हूँ, रशियन स्टेट, और मिला मक्का के रास्ते में, करीब मक्का के। कब चले थे वहाँ से, कितना अरसा हो गया? कहने लगे 10 साल पहले। 10 साल से ज़्यादा हो गए, क्यों चले थे? हज करने के इरादे थे। अब वो तो हैरान हो गए कि एक अपाहिज जिसकी टांगे नहीं हैं, सवारी उसके पास नहीं है, सबरकम से उज़्बेकिस्तान जो मौजूद है वहाँ से वो चला, 10 साल में घिसट घिसट कर आज ये मक्का के करीब पहुँच रहा है। हैरान होकर उसको देखने लगे, वो कहने लगा अरे शकीक मुझे क्या देखते हो? मेरे ज़ौफ़ और सफ़र की दराजी की वजह से ताज्जुब में पड़ गए। कहने लगे किस बात का ताज्जुब? मुझे तो मेरा मालिक उठाए लिए जा रहा है। फिर कहने लगे मेरे आका अल्लाह मैं आपकी ज़ियारत के लिए आ रहा हूँ। इश्क की मंजिल मुश्किल है, लेकिन शौक़ उस शख्स की मदद करता है जिसकी माल मदद नहीं करता। शौक़ उस शख्स की मदद करता है जिसकी माल मदद नहीं करता। रास्ते की हलाकत का खौफ हो जाए जिसे, अल्लाह वो आशिक नहीं है, और ना ही वो आशिक है जैसे रास्ते की तकलीफ़ें सफ़र करने से ही रोक दे, घर ही बेटर है। तो मरीज़ के अंदर, मर्ज़ के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा जी, मर्ज़ के अंदर ही मरीज़ की हालत, बीमारी की हालत में। अच्छा जी, बीमारी की हालत में सहाबा कराम के और वाक़ियात पर अगर हम गौर करें, इल्म सीखना और सिखाना। अब वक्त थोड़ा है तो मैं कोशिश करूँगा कि वाक़ियात को मुख्तसर करके आज इस टॉपिक को पूरा कर लूँ, ताकि अगली दफ़ा कोई नई बात हो इंशाल्लाह। लेकिन ये सेहत सीरीज़ हमारी अभी चलेगी, आज इसका 6वां बयान है, ये हो सकता है 15-20 भी हो जाए। अभी क्या बात शुरू हुई? बीमारी की हालत में भी इल्म सीखना और सिखाना, ये सहाबा कराम का शौक़ था। देखें, एक बंदा बीमार है, काम पे नहीं जा सकता, मुलाजमत पे नहीं जा सकता, घर से नहीं निकल सकता, दीन सीखना सिखाना तो कर सकता है ना, इसके लिए तो कोशिश कर सकता है कि घर बैठे इन औकात को कीमती बना ले, दीन सीखे और सिखाए। सहाबा कराम ने किया। उतबा बिन अबी सुफियान का जब इंतकाल हो रहा था और नज़ा की हालत में थे, नज़ा की कैफियत क्या होती है? बिल्कुल आखिरी वक्त, जानकनी का, जान के रूह निकलने का वक्त। तो उनके पास आयादत के लिए आमर बिन औस आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब इनकी नज़र की कैफियत तारी हो रही है, कहने लगे दुनिया से जाते जाते तुम्हें एक हदीस तो सुना दूँ, सुन लो मुझसे। कहा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इखलास के साथ रोज़ाना 12 रकात चाश्त की नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह ताला जन्नत में एक महल बना देते हैं। दुनिया से जा रहे हैं, जाते जाते भी कहा चलो दीन का काम कर लो। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर साहबी, नाम सुना होगा, आखिरी वक्त जब करीब आया का लोगों को इतला कर दो मेरी मौत का वक्त बिल्कुल करीब आ गया, जिसने आना है आ जाए। ओ तो जनाब इतना मजमा आ गया, सारे आ गए और सारों को जमा करके हदीस सुनाई, फिर दुनिया से जाने का वक्त आ गया था। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बीमारी का वक्त है, लोगों को बुला बुला के हदीसें सुना रहे हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम इनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए, सिद्दीक़ अकबर साथ थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह विरासत के बारे में कुछ बता दीजिए, मैं कैसे जो है ना वसीयत करूं, क्या करूं? तो बीमार आदमी को अपनी वसीयत के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत है, अपने मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है,
ये जो वक्त है बीमारी का, इसको कहीं का वक्त पुर्स में लगाना है खैर के कामों में। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, उनसे कहा गया अगर आपकी ज़िंदगी का एक ही दिन बाकी रह जाए और बता दिया जाए आज आखिरी दिन है, आप क्या करेंगे? कहते हैं मैं दीन का इल्म हासिल करूँगा। अभी इनकी आखिरी ज़िंदगी का वक्त आ चुका था तो एक शख्स उनसे मिलने आया तो देखा कि उनके पास कुछ लोग बैठे हुए हैं जो किसी इल्मी काम के ऊपर मज़ामीन तैयार कर रहे हैं मुख्तलिफ। कहा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक इस हालत में भी ये काम अभी भी आप लोगों से मज़मून तैयार करवा रहे? कहने लगे हो सकता है कोई ऐसी मुफीद बात पता लग जाए जो मुझे अभी तक ना पता लगी, जाते जाते वो भी सीख जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम एक दफा घुड़सवारी कर रहे थे, घोड़े से नीचे उतरे, पाँव पे चोट लग गई, घर आ गए तो उनकी इयादत के लिए जाबिर रजी अल्लाह तआला आए, देखा कि नबी अलैहिस्सलाम जिक्र में मशगूल हैं। तो बीमार आदमी जिक्र तो अल्लाह का कर सकता है ना, इल्म सीखना सिखाना इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत चाहिए लेकिन जिक्र करने में तो कोई मेहनत नहीं है ना। इसी तरह और भी सहाबा किराम के बहुत सारे वाक़यात हैं कि बीमारी के आलम में जिक्र और तिलावत कुरान पाक ये उनकी हाथ से नहीं जाती थी, इसमें इजाफा हो जाता। हमारा क्या होता है बीमार होते हैं तो रूटीन के मामूलात भी चले जाते हैं, तो जितनी हिम्मत हो बंदा कोशिश करता रहे। सहाबा किराम के अंदर मुसलमानों का इकराम, दूसरे आने वाले की इज्जत और ख्याल इतना ज़्यादा था कि इकराम मुस्लिम उनका बीमारी के अंदर भी नहीं छूटता था। और बीमारी के औकात में ख़ास तौर से जब आखिर उम्र की बीमारी होती है 50-60-70 साल के बाद की, उसमें सहाबा किराम के बाद वाक़या सुन लीजिए कि बीमार को अपने मामलात किस किस तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, कौन कौन से। अगर एक बीमार माल वाला है, खूब माल है उसके पास, जैसे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, उस अहले बदर गिनवाए कितने 100 लोग थे, सबके लिए 400-400 सोने के सिक्के भिजवाए, ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, हर आदमी को 400 दिनार भिजवाए और 100 लोग उस हयात थे, और तमाम महातुल मोमिनीन जो उस हयात उनको खूब बहुत माल भेजा। इसी तरह वसीयतें की और लोगों को माल भिजवाया। हारिसा बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, नाबीना हो गए, अब अपने घर से ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते थे, तो अपना जो उनका कमरा था रिहाइश का और बाहर गेट तक उन्होंने एक रस्सी बंधवा ली, बाहर कोई साहिल आता तो उन्होंने अपने पास एक टोकरी रखवाई थी जिसमें कुछ रखा होता था, तो उस टोकरी में से कुछ उठाते, हाथ में पकड़ते, रस्सी को पकड़ते पकड़ते दरवाजे से काते, साहिल को देते, वापस आ जाते। घर वाले कहते हमें आप कहें ना तो हम दे देंगे, जो आप कहेंगे वो देंगे, आप क्यों इस तरह करते हैं, इतनी तकलीफ़ उठाते हैं। कहने लगे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मिस्कीन को, गरीब को, मोहताज को अपने हाथ से देना ये बुरी मौत से टालता है, अपने हाथ से सदका करना बुरी मौत से बचाता है। ये फजीलत हासिल करने आते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबा कराम के क्या कहने जी। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन करीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब इंतकाल होने लगा तो इनकी आयादत के लिए दो बुज़ुर्ग आए हुए थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। इनकी नज़र का वक्त शुरू हो गया, बिल्कुल आखिरी वक्त, मेहमान इयादत के लिए आए, में किसी को कहा इनके लिए खाना लेकर आओ, इनके लिए मेहमान नवाजी करो, और कहा कि देखो ऐसा ना हो कि मेरी जान निकलने की वजह से इनका खाना लेट हो जाए, मेरा वक्त है मैं जा रहा हूँ, वो मेरा काम है, इनके लिए खाना लेकर आओ। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे कि आपकी सखावत को और आपकी मेहमान नवाजी को अगर कोई चीज़ रोक सकती थी हमारे नज़दीक तो ये नज़ा की कैफियत थी, लेकिन इसने भी आपकी सखावत को रुकने नहीं दिया। इधर से उनके लिए खाना ला के रखा गया, उधर से उनकी जान निकल गई। रहम दिली एक बड़ा खूबसूरत दरख्त है जो अल्लाह को बड़ा पसंद है, इसकी बहुत सारी शाखें, एक शाख यह है लोगों को माफ़ करना। बीमार आदमी चुन चुन के लोगों को माफ़ करे और माफियाँ मांगे। सुनिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँची हो किसी से और वो उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दे, अल्लाह ताला इसको एक नेकी देंगे, एक दर्जा बुलंद करेंगे। और एक हदीस के अंदर आता है
कि अगर किसी ने किसी का जितना देना हो, माफ करने वाले ने जालिम को जितना माफ किया अल्लाह इसको इतना माफ करेंगे, ये जालिम को पूरा माफ करेगा अल्लाह इसे पूरा माफ करेंगे, ये आधा माफ करेगा अल्लाह इसे आधा माफ करेंगे, ये चौथाई माफ करेगा अल्लाह इसे चौथाई माफ करेंगे। भाई हम सब के मामलात अल्लाह ताला के साथ तो है ना। ठीक है, किसी ने अगर हमारे पास जुल्म किया हमारे साथ, अब ये ना गिव एंड टेक है, हम उसको माफ करें अल्लाह हमें माफ करे। अब कौन चाहता है कि अल्लाह मुझे माफ करे, हाथ खड़ा करे, भाई मैं तो दोनों हाथ खड़ा कर रहा हूँ। तो फिर लोगों को माफ़ करना सीखें। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक यहूदी औरत, हम तो घर में नेक बीवी को माँ माफ़ नहीं करते, यहूदी औरत खाने में जहर लेकर आई, पकड़ी गई, आपने उसे माफ़ कर दिया, कत्ल का इकदाम किया। हम तो बीवी को इसलिए नहीं माफ़ करते कि खाना ठंडा ले आई, आज जायकेदार नहीं था, देर से ले आई, इतनी देर से घर आया हूँ, 20 मिनट हो गया खाना नहीं लगा, सीधा ससुराल फ़ोन कर देते हैं या धमकी देते हैं, अभी फ़ोन करता हूँ तेरे बाप को आके ले जा तू तुझे। और जब बीमार होते हैं तो और ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं। अब ज़रा सुन लीजिए, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मर्ज़ुल वफ़ात में हज़रत फजल इब्न अब्बास, फजल इब्न अब्बास कौन है, हाँ चचा के बेटे हैं, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सलाम के चचा ही, उनके बेटे हैं फजल, फजल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह उनको बुलाया, कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, और सहारे से मस्जिद ले गए, नबी सलाम मेंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, फरमाया कि सबको बुलाओ, बहुत से लोग आ गए, अल्लाह ताला की हमदो सना की मेंबर पर आ गए, और फिर फरमाया मेरा तुम्हारे पास से जाने का वक्त करीब आ चुका है, सुन लो, अगर मैंने किसी के कमर में मारा हो तो मैं मौजूद हूँ, मेरी कमर मौजूद है, वो बदला ले लें, किसी को मैंने ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचाई हो मैं मौजूद हूँ, वो मुझे वो जुमला वापस कह के तकलीफ़ अपनी पूरी कर ले, मैंने किसी का माली हक अदा करना हो वो मुतालबा कर ले मैं उसे दे दूँ। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है मरीज़ की कैफियत में, तो मुसलमान मरीज़ की कैफियत होनी चाहिए कि नहीं। लोगों को इस तरह से कहा, और अगली बात कि देखो कोई इस बात का गुमान ना करे कि अगर कोई मुझसे बदला लेने आएगा तो मेरे दिल में उसके लिए कोई बुरी बात पैदा हो जाएगी, ना मेरी तबीयत है और ना मुझे ये जेब देती है, और फरमाया मुझे पसंद है कि जब अल्लाह ताला के साथ मिलूं तो खूब बशाशत के साथ मिलूं, जिसका कोई हक है वो मुझसे ले ले। ये नबी अलैहिस्सलाम का अमल है जनाब। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का जब वक्त करीब आया तो सबको कहा कि भाई मेरा बिस्तर बाहर सेहन में लगाओ, खुली जगह पे, सारे खादिमों को, ग़ुलामों को, पड़ोसियों को, जानने वालों को बुला लिया जो रोज़ आते थे, सबको साथ बुला लिया, और कहा कि देखो भाई लगता है आज आखिरी दिन है, बस मेरा दुनिया से जाने का वक्त है, कोई मुझे याद तो वैसे नहीं है, लेकिन अगर किसी को मैंने तकलीफ़ पहुँचाई हो, कोई माल का हक देना हो, अल्लाह के लिए या माफ़ कर दो या ले लो, बोलो। सब ने कहा आपने तो कभी किसी से गुस्सा नहीं किया, कुछ भी नहीं, आपके तो ऐसी सिफात हैं, तो आप तो वालिद की तरह हमारे लिए थे, अदब सिखाने वाले, मोहब्बत करने वाले, खैर ख्वाह, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है, आपने तो किसी को बुरा नहीं कहा। कहा अच्छा भाई माफ़ तो करूँगा, हम सब ने आपको फिर भी माफ़ किया है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी माफ़ किया। कहा अल्लाह तो गवाह रहना, तो हमें अपनी बीमारी में माफ़ियाँ लेने की ज़रूरत नहीं। नबी अलैहिस्सलाम का अमल, सहाबा कराम का अमल के हमारे लिए नमूना नहीं, सिर्फ सर पे टोपी रखना, पगड़ी रखना, टखने नंगे करना सुन्नत है, या लोगों से माफ़ी मांगना भी सुन्नत है। और सुनिए, औरतों की बात भी ले लीजिए, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, जब बीमार हो गई और आखिरी वक्त था, और मर्ज़ुल मफ़ात जो है ना, बाज़ दफ़ा किसी का एक दिन का होता है, किसी का 20-25 दिन का भी हो सकता है कम बेश, हज़रत आयशा को बुलाया, उम्मे सलमा को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों को अलग अलग बुला के कहा देखो मैं और तुम सौकन थे, ज़िंदगी साथ गुजारी, आपस में कोई कहा सुना होता है तेज़ी हो जाती है, बस मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। तो भाई जिनके साथ इंट्रैक्शन होता है माफ़ियाँ उन्हीं से मांगनी होती हैं, दूर वालों से थोड़ी होती है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया आज 15 शाबान है बस माफ़ कर दो, व्हाट्सएप के स्टेटस से कोई माफ़ी मुफी का चक्कर नहीं, उसके घर जाके उसको मिठाई खिलाएं,
उसके लिए कुछ पका के ले जाएं, कोई तोहफा ले जाएं, फिर माफ़ी मांगे उस कीमत है। ये व्हाट्सएप पर ड्रामेबाजी से कुछ नहीं होता। 27 रमजान की रात आ गई, वो स्टेटस चल रहे होते हैं, तो वो मामला नहीं है। दिल से माफ़ करना, उसका इजहार करना, अगले से भी बात कहना, तो ये ज़िंदगी भर रहना चाहिए। लेकिन जब बंदा मरीज़ हो जाए तो और ये सुन्नतें हैं मरीज़ के लिए ना। मरदुल वफात में भी नबी अलैहिस्सलाम ने बीवियों के साथ अदल करना सिखाया। इंसान जब बीमार होता है तो ज़रा कमज़ोर भी होता है, गुस्सा भी ज़्यादा चढ़ता है, कई मामलात होते हैं, लेकिन इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना। नबी अलैहिस्सलाम बीमार थे, हर रात एक वालदा के पास जाते थे, तो बीमारी में भी उसी तरह जाते रहे। चल के नहीं जा पाते थे, चरपाई उठा के जा रही है। फिर लोगों ने महसूस किया, सब ने महसूस किया, उम्महातुल मोमिनीन ने भी महसूस किया, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सबसे इजाज़त मांगी। आप नबी हैं, आप बीवियों से इजाज़त मांग रहे हैं कि मुझे आयशा के घर रहने की इजाज़त दे दो। फिर आखिरी चंद रातें जो हैं वहाँ पे गुजारें इजाज़त के साथ। मर्ज़ुल वफ़ात में वसीयत करना और गैर शरई कामों से रोकना। बीमार को चाहिए कि अपने छोटों को, घर वालों को, पीछे रहने वालों को वसीयतें करें। अब ये दो तीन वसीयतें ज़रा सुन लीजिए। उबादा रज़ी अल्लाह ने जब इंतकाल का वक्त आया, जो लोग मौजूद थे, कहा हर शख्स को मैं इस बात से रोकता हूँ कि वह मुझे रोए, और जब मेरी रूह निकल जाए हर शख्स वजू करे, जब मेरी रूह निकल जाए हर शख्स वजू करे, अच्छी तरह आदाब की रियायत रखते हुए वजू करे, और फिर दो रकात नफिल पढ़कर मेरे लिए इस्तग़फ़ार करे, मग़फ़िरत करे। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, फिर हालत बहुत बिगड़ गई और गशी की कैफियत आ गई, समझ गए कि आखिरी वक्त है। तो उस वक्त उनकी अहलिया ने रोना शुरू कर दिया, रोना आ जाता है, और इनका सर भी बीवी की गोद में था। यहाँ अपनाइयत हो ना, वहाँ ये बातें होती हैं। बोलने की कुव्वत नहीं थी, जब होश आया ना तो कहने लगे कि जिस चीज़ से नबी अलैहिस्सलाम ने बरात का इजहार किया, मैं भी बरात का इजहार करता हूँ। गिरेबान फाड़ने वाली, नोहा करने वाली, कपड़े फाड़ने वाली औरतों से आपने बरात का इजहार किया, मेरा भी इससे इजहार है। मसलन घर वालों को समझा रहे थे कि कुदरती रोना आ गया वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर ही रहना है जो लिमिट है। अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला के जब वक्त करीब आया तो बेटों को बुलाया, बेटो मैं तीन बातों से तुम्हें रोकता हूँ, अच्छी तरह याद रखना। तीन बातों से तुम्हें मना कर रहा हूँ, वसीयत कर रहा हूँ, अच्छी तरह याद रखना, रुके रहना। पहली बात, हदीस सिर्फ मोतबर और काबिल एतमाद आदमी से लेना, हर एक से ना लेना। व्हाट्सएप पे जो आ जाए बस हदीस का नाम से नहीं, मोतबर और सही लोगों से। दूसरी बात, कर्जा लेके कर्जा लेते रहने की आदत ना बनाना, और फजूल शेर व शायरी में ना लगे रहना। मरीज़ की हालत में बीमार का अपने लिए और अपने घर वालों के लिए दुआएं करते रहना। मुसलमान मरीज़ की कैफियत सिफात में से एक ये सिफ्त जो इस आखिरी है कि जब इंसान मरीज़ ख़ुद हो तो खूब अपने लिए और अपने घर वालों के लिए दुआएं करें। हदीस के अंदर आता है मरीज़ की दुआएं कबूल होती हैं, तो मरीज़ को चाहिए कि ये अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, मुतालिकीन के लिए खूब दुआओं का अहतमाम करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें शिफा और सेहत आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, बीमारियों से महफूज फ़रमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फ़रमाए, और बीमारी अगर आ जाए तो दो काम बताए हैं जो असल हैं, सब्र और सवाब की नीयत। जिसने बीमारी पर सब्र किया और सवाब की नीयत कर ली, अल्लाह ताला फरमाए उसी नहीं। अगर बीमारी आ जाए तो अल्लाह ताला हमें सब्र की भी तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफीक अता फ़रमाए, सवाब की उम्मीद अता फ़रमाए, ताकि हमारे लिए बग़ैर हिसाब जन्नत का फ़ैसला हो जाए। वाखिरु दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा के कलिमात पढ़ लीजिए, जो बैत करना चाहें वो बैत की नीयत भी कर लें, साथ साथ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी
من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الكلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اچھا دو اعلانات بھی مختصر سے سن لیجئے. جنگ اجتماع انشاءاللہ 27, 28, 29 اکتوبر ہے, تو پچھلی دفعہ بھی اعلان ہوا تھا, تو جو بھی ساتھ جانا چاہیں وہ پھر ریحان بھائی کو تفصیلات لکھوا دیں. اور باقی 6 معمولات ہیں جو ہر دفعہ بتائے جاتے ہیں. مختصر یہ درود شریف, استغفار 100-100 مرتبہ صبح شام, قرآن مجید کی روزانہ تلاوت. ایسا نہ ہو کہ ہم فیس بک کا پیج روز کھولیں اور قرآن مجید کا پیج نہ کھولیں, یہ بڑی محرومی کی بات ہے. وقوف قلبی, اللہ تعالیٰ کا دھیان, چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا. 5ویں چیز مراقبہ, اور 6ٹی رابطہ شیخ. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سروں کو جھکا لیجئے, یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی النبی امی الکریم. ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ بندوں میں یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما, ہمارے سینوں میں نور فرما, ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما.
सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक नेकी तक़वा अता फरमा, हया और पाक दामने वाली ज़िंदगी अता फरमा। रब करीम हमारी तन्हाइयों को पाकीज़ा फरमा, हमारी मजालिस को पाकीज़ा फरमा, हमारी रातों और बातों को पाकीज़ा फरमा, हमारी सोच को पाकीज़ा फरमा। रब करीम हर आने वाले वक्त को पहले से बेहतर फरमा। या अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और कामिल इत्तबा की तौफीक अता फरमा। हासिद के हसद से महफूज फरमा, शरीर के शर से महफूज फरमा, बुरा चाहने वालों की बुराई से महफूज फरमा, दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने वालों से महफूज फरमा। रब करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, दावत और तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, जहाँ अल्लाह अल्लाउतियन खानकाहों की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद मदारिस मराकिद अरबिया की हिफाजत फरमा, इकामत दीन की कोशिशें करने वालों की हिफाजत फरमा। रब करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, पूरी उम्मत में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह कश्मीर में, फ़लस्तीन में, या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, तमाम मुसलमानों को या अल्लाह आफ़ियत अता फरमा। या इलाहल आलमीन, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं उन्हें हिदायत अता फरमा, अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं तो चुन चुन कर दफ़ा दूर फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा। या अल्लाह, हम पर दायमी रहमत का मामला फरमा, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की खुसूस मदद फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, बच्चे बच्चे और चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा, हम सब को रिज़्क हलाल आसान फराख और बाबरकत अता फरमा, हराम और मुश्तबे से महफूज फरमा। या इलाहल आलमीन, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक कार फरमा, वालिदैन की आँखों की ठंडक बना, मुत्तकियों का इमाम बना। अल्लाह औलाद की खुशियाँ अता फरमा, औलाद के गमों से महफूज फरमा, जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं, कदरदान रिश्ते अता फरमा, वालिदैन के लिए फ़राइज़ निभाने आसान फरमा। या अल्लाह, हम पर अल्लाह फरमा, हम में और हमारे घरों में जो बीमार हैं शिफा अता फरमा। या अल्लाह, बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा और जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए, और वो लोग जिनका हक़ है कि उनके लिए दुआएं करते रहा करें, या अल्लाह सब के लिए खैर के फ़ैसले फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अहलि बैतिही अजमाईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन व रहमतिका या www.tasqur'an.com